हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करेंगे हमारा स्टैंडर्ड सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का सेक्शन नंबर बी। यस, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसेप्ट से हर एक क्वेश्चन को डीपली समझेंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि बोल रहा है कि हमारे जो दो नंबर हैं उनका सम 1215 है और उनका HCF 81 है, तो ऐसे कितने पेयर होंगे, इस तरह के नंबर्स के कितने पेयर होंगे कि जिन दो नंबर का सम 1215 हो और HCF 81 हो। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि दो नंबर वो एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। अब अगर दोनों का एचसीएफ 18 है, 81 है, तो मतलब दोनों में 81 तो आया ही होगा, 81 तो कॉमन आया होगा दोनों में, तभी तो 81 एचसीएफ आया। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर उन दोनों का एचसीएफ 81 है तो मतलब दोनों में 81 तो आया ही होगा, साथ में कोई और नंबर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ए होगा, मान लिया इसके साथ बी होगा। जैसे मान लिया मैंने 4 और 6 है, 4 का अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 और इसको लिखूं 6 को 2 इंटू 3, समझ आ रहा। तो इन दोनों का जो HCF है कितना आया, 2। अब 2 तो HCF आया क्योंकि इन दोनों में कॉमन 2 था, साथ में एक नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई आ रहा है, इसके साथ भी ये आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों के साथ हमें पता नहीं क्या क्या आ रहा है, हमने उनको ए और बी मान लिया। तो अब बोल रहा है कि दोनों नंबर का सम कितना है, 1215, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स कितना मेरा 81 ए प्लस वाई कितना 81 बी, उन दोनों का सम 1215 है। यहां तक समझ आया, टाइम लगेगा क्योंकि मुझे समझाना है, जल्दबाजी में मैं समझाऊं जल्दी से सोल्व करने की ट्राई करूं, मुझे तो समझाना है, आपने जल्दी से करना है पेपर में प्रैक्टिस करके। तो यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब 81 ए और 81 बी, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 81 कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1215, ये समझ आया। आगे चलते हैं, यहां पे सॉल्व करवा देता हूं। तो 81 कॉमन आ गया, a प्लस बी अंदर बच गया, ये लिख दिया मैंने, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1215 बाय 81। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 15, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 15 आई, ठीक है। तो एक बार पीछे चलते हैं, तो मतलब जो ये मेरा एक नंबर ए है ये और एक नंबर बी है, इन दोनों का सम 15 है, मतलब इन दोनों का सम 15 है, तो मतलब या तो ए 1 हो सकता है, बी 14 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो मतलब अगर इन दोनों का सम 15 है तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ए 1 बी 14, A2 B13, A3 B12, समझ आ रहा है, A4 B11, A5 B10, A6 B9, A7 B8, समझ आ रहा है। उसके बाद A8 और B7, ये तो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब ये तो अब लिखने नहीं आपको। तो ऐसे कितने पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी आंसर नहीं आया, पॉसिबिलिटी 8 हो सकती है। बट मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब भी हम HCF लेते हैं तो HCF के बाद जो नंबर प्रोडक्ट्स में बचते हैं वो नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। समझा, अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो वो ऐसे नंबर बचते हैं। हमें देखना है कि सिर्फ जिसमें वन हो कॉमन फैक्टर और कोई ना हो,
तो आप देखो 1 और 14 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, सिर्फ 1 है। 2 और 13 में भी नहीं है तो ये भी ले सकते हैं पेयर। 3 और 12 में तो 3 है, ये नहीं ले सकते। 4 और 11 ले सकते हैं। 5 10 में तो भाई साहब 5 और 10 5 पड़ा। 6 9 में तो भाई साहब 3 और 2 3 और बड़ा कॉमन हमारे पास है। 7 और 8 ये भी को प्राइम है। तो को प्राइम कितने हैं हमारे पास, 3 और 4। तो ऐसे कितने पेयर है, 4। ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर मैं ए और बी को क्या लिख सकता हूं, या तो 1 और 14 लिख सकता हूं, 2 और 13 लिख सकता हूं, ठीक है, 4 11 लिख सकता हूं, 7 8 लिख सकता हूं। तो अगर उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो नंबर आएंगे उनका सम कितना होगा, 1215 होगा। ये बात समझ आई, तो आगे चलते हैं। तो आपका आंसर इसका क्या आएगा, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन समझाने में 6 मिनट लग गए हैं क्योंकि ये समझा रहा हूं, ठीक है, और समझाना भी जरूरी है अच्छे से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है भाई साहब ये, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेड टू लीनियर इक्वेशन लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म दीज टू लाइन। एक तो ए बी मेरे पास ये पड़ी है, ठीक है, और मेरे पास सी डी ये वाली लाइन पड़ी है, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब ये आपको ये कह रहा है, मतलब एक तो सीधा कहना व्हाट इज योर फादर नेम, एक आपको बोल दे व्हाट इज योर ग्रैंडफादर सन नेम, तो बात एक ही है। एक तो बोल दे कि भाई यार व्हाट इज योर फादर नेम, एक बोल दे बेटा व्हाट इज योर मम्मा हस्बैंड नेम, तो बात एक ही है। अब इसने एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो कहाँ होता है, एक्स जीरो वाई एक्सिस पे होता है। तो ये भाई साहब वाई एक्सिस के साथ, मैं दूसरे वाला स्केच ले लेता हूँ, है ना, ये वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे तो लाइन नहीं लगा रहा है, यहाँ पे नंबरिंग है इसलिए लाइन नहीं लगा रहा, ये वाई एक्सिस ये पड़ा है, दिख रहा होगा आपको, हाँ जी दिख रहा है। इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर आ रहे हैं इसके बीच में, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है। तो यानी 1/2 बेस कितना हुआ 6, हाइट कितनी है, हाइट आप देखो कहीं से भी देख लो, यहां से ये भाई साहब इरेजर तो मैंने मांगा ही नहीं था, ये हाइट होगी, ये हाइट, ये हाइट है। तो इसकी ट्रायंगल की, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बन रही है इस तरह से, इस तरह से बन रही है, तो ये हाइट होगी, ठीक है। अभी हाइट कितनी है देखो, ये यहां से लेके यहां तक ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये इक्वल है, तो ये कितना डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है, यहां 0 से लेके यहां तक 2 का डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई में 2, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कितना डिस्टेंस आया, 6 स्क्वायर यूनिट, तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको रब कर लेता हूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड टेंजेंट 20 अल्फा कोट। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आंसर 2 होगा, ऑलवेज आंसर हमेशा 2 होगा। बट बात एक ध्यान रखनी है, टेंजेंट का उल्टा कोट होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, और सिकेंट का उल्टा कोस अल्फा होता है। अगर ये भी दिए होते, ये अगर आपको 2, ये समझ लो, ये ट्रिक समझ लो आप,
अब स्टैंडर्ड में आया तो क्वेश्चन क्या पता सैंपल पेपर में आया तो क्या पता सीबीएसई पूछ ले। अगर सीबीएसई पूछे तो ये बात ध्यान रखना, जो जो फंक्शन रिवर्स होते हैं अगर उन दोनों का सम टू दिया हुआ है तो उनकी जितनी मर्जी पावर रख लो उनका उनकी पावर का सम भी टू आएगा। यानी अब यहां पर अगर ऐसे पूछा होता कि टेंजेंट एन पावर एन अल्फा प्लस कोट पावर एन अल्फा तो वो भी टू आएगा, एन की जगह 20 हो 30 हो 40 हो, यहां पे साइन पावर एन अल्फा साइन एन लिखा होता अगर यहां पे कोस एन लिखा होता तो भी, सिकेंड लिखा होता तो भी। तो मतलब अगर आपको कुछ भी दिया हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। मतलब अगर आपको दिया है एक फंक्शन दिया है दोनों आपस में रिवर्स है और उनकी पावर का सम पूछा है तो पावर का सम हमेशा टू ही आएगा, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, ये मैंने करवाया भी हो आपको। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक इक्वेशन है 217x प्लस 131y, दूसरा है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, x प्लस 5 फाइंड करना। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है तो मतलब ये वाला और ये वाला, ये और ये मतलब आपस में रिवर्स है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, जो y का है वो नेक्स्ट में x का कोफिशिएंट, आपस में एक दूसरे ए भी रिवर्स है। तो इस फॉर्म में हमेशा अगर आपको x प्लस y निकालना है तो प्लस कर दो, x माइनस y निकालना है तो माइनस कर दो। तो दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 784 348x प्लस 348y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1740। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो 340 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7040, 17 तो ये 348 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 348, तो ये कट करेंगे ये 5 पे जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आंसर आएगा आपका कौन से वाला, आएगा आंसर आपका कौन से वाला, फर्स्ट वाला है ना। तो अब अगर x माइनस वाई होता, x माइनस वाई होता तो क्या करते, तो क्या करते सर, माइनस कर देते। अगर माइनस करते तो क्या आंसर आता, तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई साहब। बोल रहे हैं कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्या हो, जब प्राइम नंबर होते हैं, मान लिया एक प्राइम नंबर टू है दूसरा थ्री है, तो जब भी दो नंबर प्राइम हो तो उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट आता है, ये ध्यान रखना। जब भी नंबर प्राइम हो तो उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो अब ये भाई साहब ने हमें प्राइम नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, एक प्राइम नंबर दिया हुआ है पी, दूसरा है क्या हो, तो अब इनका एलसीएम कितना है 221, तो मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ही एलसीएम आएगा। तो अब दोनों प्राइम है तो इस 221 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 13 पे जाएगा, तो ये 13 वनजा और ये 7 जा, फिर 17 वनजा, तो मतलब P और क्या हुआ दोनों 13 और 17 है। अब इसने बोला क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं, इसने बोला हुआ है, लाइट ब्लिंक कर रही है भाई, देखो इसने बोला हुआ है कि P ग्रेटर देन क्या हुआ, P ग्रेटर देन क्या हुआ मतलब P को हमें 17 लेना पड़ेगा,
तो कर देते हैं सॉल्व। 3p माइनस क्या हो फाइंड करना है, 3p माइनस क्या हो इज इक्वल टू, स्केच दूसरा ले लूं आपके लिए, तो 3 × 17 माइनस क्या हो कितना 13, 17 × 3 = 51 माइनस 13 कितना हो जाएगा 38, है ना। तो भाई साहब ये हो गया आपका 38, समझ आया, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, अच्छे से करते हैं। मैं क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि सैंपल पेपर एक तरह से डेमो पेपर होता है और यहाँ चांसेस बनते हैं कि इस तरह का पेपर बोर्ड आप भेज रही है भी इस तरह का आ सकता है पेपर, इस तरह का रेशो हो सकता है क्वेश्चंस का, इस तरह का लेवल हो सकता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है भाई साहब देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, एक मतलब कार्ड ड्रॉन करना है, पैक मतलब कर दिया, वो थपकी वगैरह मारते हैं, एक कार्ड निकालना उसमें से, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन, ना तो किंग होना चाहिए ना वो क्वीन होनी चाहिए, मतलब मेरे दादाजी बैठ गए और दादाजी कह रहे हैं जो कार्ड मतलब ले आ, वो कार्ड्स ले आ, बट कार्ड्स जो निकालेगा ना, मतलब कार्ड जो लेके आएगा उसमें भाई साहब मुझे ना तो किंग मिलना चाहिए और ना ही मुझे क्वीन मिलनी चाहिए, मतलब कोई बात होगी यार, क्या कह सकते हैं, कुछ लड़ाई बड़ाई होगी, तो कह रहा भाई उसमें मेरे को ना तो किंग मिलनी चाहिए और ना ही क्वीन मिलनी चाहिए। अब आप लेने गए हो, आप कार्ड्स लेने गए हो, तो आपने किंग निकाल लिया, तो 4 किंग होते हैं, कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो 4 तो किंग हो गए हमारे और 4 क्वीन होती है, है ना। और अगर नहीं पता आपको, पता होगा इतना तो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में राइट करना कि क्वीन कौन कौन से किंग होते हैं, कौन कौन से क्वीन होती हैं, और अगर नहीं पता तो आप 15 रुपीज 20 रुपीज की कार्ड्स आ जाते हैं, उनको अच्छे से समझो, दादाजी के पास बैठो, उनको खेलना आता होगा। तो 4 किंग और 4 क्वीन, इनको भाई साहब साइड में रख दो, तो टोटल कितने हो गए ये दोनों, 8 हो गए, ठीक है। अब 8 टोटल हो गए हैं, तो ये निकाल दिए, तो टोटल होते हैं 52 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। ये फेवरेबल आउटकम होंगे डिवाइड बाय टोटल आउटकम 52, तो कैंसिल करें, 4 × 1 = 4, 1 = 4, 13, तो 11/13, तो आपका आंसर आया ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पर, 1 करोड़ के लिए आप जीत चुके हैं, 1 करोड़ रुपए का इनाम, है ना, जीत चुके हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 27 डाइस वाला आ गया भाई साहब, डाइस को कर देते हैं सोल्व, डाइस वाले को भी, डाइस वाले में हमें केसेस लिखने पड़ेंगे, लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 dice are rolled simultaneously, 2 dice उछालने हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 5 will come at least once इज, 5 मतलब एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, एट लीस्ट का मतलब होता है एट लीस्ट, पहले इसको समझते हैं, कम से कम एक बार, 2 हो सकती है, ठीक है ना। अब आप पापा जी को बोल रहे हैं, पापा जी क्रैकर्स लेके आना, क्रैकर्स लेके आना मेरे लिए, कम से कम एक रॉकेट तो होना चाहिए, कम से कम पापा एक रॉकेट तो लेके आना, तो 2 आगे तो आपको दिक्कत थोड़ी होगी, 2 होंगे तो खुशी होंगे ना, तो कह रहे पापा जी कम से कम एक तो लेके आना, 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, मजा आएगा। तो कह रहे भाई जब कम से कम एक तो हो, 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अब एट लीस्ट 1 तो लेके आना पापा जी, अब पापा एक भी नहीं ले आए फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नाराज हो जाओगे आप, फिर है ना, फिर दिवाली खराब हो जाएगी, यानी एक तो आना चाहिए, तो समझ आई बात, एट लीस्ट का मतलब एक हो सकता है, कम से कम 2 हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मजा आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसके केसेस लिखने पड़ेंगे मुझे, केसेस लिख देता हूँ आपके सामने ही लिखूंगा, पहले नहीं लिखे पड़े,
ठीक है ना, यहीं पे करते हैं हम, क्या क्या करना है यहाँ अगले वाले, यहाँ पे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे। तो वन हो सकता है पहले पे, दूसरे पे भी वन होगा, पहले पे वन, दूसरे पे टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, ठीक है, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, थ्री वन, फोर सिक्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, ये इसके लिए स्पेस ये बच गया, सिक्स वन समझ जाना, सिक्स टू नीड ही नहीं है, सिक्स की लिखना पड़ रहा है, सिक्स फोर, हाँ यहाँ पे पड़ेगी सिक्स सिक्स, ठीक है। अब देखो, अब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें एटलीस्ट वन हो, एक तो ये, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, दो है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा काम, ये पूरी लाइन पड़ी है, इस पूरी लाइन में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स तो ये हो गए, उसके बाद और कहाँ पे पड़ा है, ये फाइव वाली में, ये भी चलेगा, एक है 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 ये भी चलेगा, तो एक दो तीन चार पाँच ही हो, तो मतलब पाँच टोटल, सिक्स और फाइव टोटल कितने हुए, टोटल हो गए इलेवन। तो ऐसे कितने केसेस है जिसमें फाइव एट लीस्ट वन टाइम है, तो ऐसे कितने, एट लीस्ट वंस, एक बार तो आएगा ही आएगा, दो बार कोई दिक्कत, तो इलेवन है, तो इलेवन टोटल कितने होते हैं, 36, तो आंसर आएगा 11/36, तो ये वाला आंसर, समझ आया, आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कर लिया, ठीक है। तो देखो 28 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो आपको फाइंड करना है कोट अल्फा, फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कोट अल्फा निकालते हैं, ठीक है, कोट अल्फा कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस सारे को साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दूं और इसको भी साइंस स्क्वायर अल्फा से, दोनों तरफ मैं साइंस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दूं, तो ये देखो ये साइन अल्फा से एक कट जाएगा और कोस अल्फा बाय साइन अल्फा ये बन जाएगा कोट अल्फा, तो 3 × 3 कोट अल्फा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या बन जाएगा, 1/sin² alpha कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस साइंस स्क्वायर अल्फा, जब साइंस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड होगा तो 1, तो ये बन गया। तो सर आप तो कह रहे थे अभी भी कोट अल्फा में नहीं आया, तो कोसिकेंट और कोट का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे आगे बता देता हूँ अगले क्वेश्चन में, कि कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + cot² alpha, तो मैं कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा को, भाई इरेजर किसने बोला था, इरेजर तो मैंने बोला ही नहीं यार, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + cot² alpha के, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 + cot² alpha और ये +1 = 3 cot alpha, समझा। अब उसके बाद देखो 1 + 1 = 2 हो गया, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 + cot² alpha इज इक्वल टू 3 cot alpha। अब ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे यहां पर मेरे पास कोट स्क्वेयर अल्फा है, ये इधर जाके -3 cot alpha हो जाएगा और ये 2 + का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से अगर आप देखिए ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन चुकी है, जैसे 0 निकालते हैं वैसे इसको फैक्टराइज करके आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप कोट अल्फा को एक्स मान लो, मैं आपको इजी वे में करवा रहा हूं कि इसको एक्स मान के कर लो, ठीक है,
अब कोट को एक्स मानोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब आपके सामने ये इक्वेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसको, मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, और इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस टू बच जाएगा, माइनस वन कॉमन आएगा एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू एक फैक्टर आ गया, एक आ गया एक्स माइनस वन। तो एक बार एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो लिखोगे तो एक्स की वैल्यू टू आ गई, एक्स माइनस वन को रखोगे तो एक्स की वैल्यू वन आ गई। तो यानी एक्स की टू वैल्यू आई है, वन और टू, यानी एक्स मेरा क्या है कोट अल्फा, तो कोट अल्फा की वैल्यू वन और टू कहां पर है, ये पड़ी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, देखो 30 से 35 तक तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इतना आप कर सकते हो, ले सकते हो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा लास्ट में 5 मार्क्स के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ा और हार्ड वर्क करना होता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कंसेप्ट पे वर्क करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, पैरेललोग्राम से रिलेटेड। पिछले 5 साल की अगर बात करें, 5 ईयर्स की, तो ये क्वेश्चन लगभग 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पैरेललोग्राम में दिया क्या हुआ है, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 1 और 2, बी दिया हुआ है 4y, सी दिया हुआ है एक्स और 6, और डी दिया हुआ है 3 और 5। तो आपको इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, एक डायगोनल तो ये है मेरे पास और दूसरा डायगोनल मेरे पास ये है। ठीक है, अब देखो आपको एक्स निकालना है, तो जो दूसरा डायगोनल है, दूसरे डायगोनल के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उन दोनों को ऐड कर दो, 3 है और 4 है, दोनों को ऐड किया 3 + 4 कर दिया। अब आपको जो x निकालना है उसी डायगोनल के दूसरे कोऑर्डिनेट का x माइनस कर दो, यानी ये -1 कर दो, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस में 1, तो 3 + 4 = 7, -1 = 6। अब देखो x 6 कहां पर है, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर तो यहीं पे आ चुका है। बट फिर भी आपको अगर y निकालना है तो मैं निकालना दिखा देता हूं आपको। अब देखो y ये पड़ा है, जो दूसरा डायगोनल है उसके y जोड़ दो, ये y और ये y, 2 और 6। माइनस क्या करना है, जो y निकालना है उसी का ही दूसरे कोऑर्डिनेट वाला y माइनस कर दो, ये 5, 2 + 6 = 8, -5 = 3, तो 6 और 3 ये पड़ा आपका पहला आंसर। इज इट क्लियर, तो अब क्या कर सकते हैं, ये हमारा 28 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 100% चांसेस है, और इसको अच्छे से करना और ट्रिक के साथ करना, ठीक है, और इसका वन शॉट पड़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसी चैनल पे, और उसको आप डिटेल में देख सकते हो। आगे चले क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्या बोल रहे हैं 30 में बोल रहा है ये हमारे पास की एक ये ABC एक ट्रायंगल है, क्लियर, और ABC ट्रायंगल में एंगल ACB कहां पड़ा है, ये रहा, और एंगल CDA यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और AC दे रखी है और AD दे रखी है, दे क्या रखा है, AC दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, AD दी हुई है, ये दोनों दी हुई है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इज इट क्लियर, तो अब आपको बताना है कि BD क्या होगी, BD को भी मैं मार्क कर देता हूं, अच्छे से कर लेते हैं, आपको बताना है ये BD क्या होगी। देखो अगर मेरे पास AB आ गई, अगर मेरे पास AB आ गई तो मैं इसमें से अगर AD माइनस कर दूंगा तो BD आ जाएगी, तो AB निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। तो पहले देखो
ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला एंगल बराबर है इसके, तो ये दोनों एंगल की कॉमन एंगल है। तो ये जो दो ट्रायंगल होंगी आपस में सिमिलर होंगी, सिमिलर लिखते कैसे ये ध्यान रखना। मैं दोनों का कॉमन एंगल लेता हूं, स्केच दूसरा ले लो, कॉमन एंगल मैंने लिया ट्रायंगल ए, उसके बाद मैं इक्वल एंगल की तरफ चलता हूं डी, ए डी सी सिमिलर है, कॉमन एंगल लिया, उसके बाद इक्वल कौन सा है सी, ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है। अब ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के, तो अब आपको जो निकालना उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी डिवाइड बाय ए सी, और हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी कहां पे है ये पड़ा ए सी, तो ए सी डिवाइड बाय ए बी, ये रेशो सेम होगा। तो ए डी कितना है मेरे पास, स्केच दूसरा ले लेता हूं, इज इक्वल टू ए डी है मेरे पास 3 डिवाइड बाय ए सी कितना है मेरे पास 8 इज इक्वल टू 8 ए बी, तो ये 8 जा 64 और 3 ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 64/3। बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे बी डी चाहिए, तो अगर ए बी में से ए डी माइनस कर दूं, ये 3 माइनस कर दूं, तो ये बी डी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये माइनस कर देते हैं, तो ए बी क्या आ जाएगी 64/3 आ चुकी है मेरे पास ए बी, तो बी डी आ जाएगी माइनस के 3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 55/3, 55/3 बन गया, तो 55/3 ये सी आंसर है। इज इट क्लियर, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 31st क्वेश्चन पे चलते हैं, 31st क्वेश्चन को देखते हैं, पहले थोड़ा सा इरेज कर लूं मैं। 31st क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एबी, एबी का, एबी एक लाइन है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 5, बी के है 2, 3, -2, 3। तो अब देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो हमारी लाइन है उसके मिड पॉइंट से जाएगा, जो हमारी ए बी लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच में से जाएगा। बाइसेक्ट क्या करता है, बीच में से बाइसेक्ट करना, बीच में से जाएगा। तो इसको छोटे तरीके से करते हैं, ऑप्शन में से ही सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करो, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, एक्स एक्स को जोड़ दो, 4 माइनस 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो एक्स आ गया 1, वाई 5 + 3 8/2 4 आ जाएगा, तो 1, 4 आ गया। अब ये मिड पॉइंट जो आपका है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो यहां से देखो आप कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये सेटिस्फाई होता है 1 और 4, तो रैंडमली देख लेते हैं। देखो अगर मैं देखूं तो डी में देखो आप, डी में अगर मैं देखूं तो 3x यानी 3x की वैल्यू 1 प्लस y कितना है 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, 3 + 1 = 3 + 4 = 7, 7 - 7 0 आ रहा है, तो यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + y - 7 = 0। कोई आपको स्लोप नहीं लगाना, कोई इक्वेशन नहीं फाइंड करनी है, सिर्फ आपको पॉइंट फाइंड करना और पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है। इज इट क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, 32 को देखते हैं। देखो 32 में क्या बोल रहा है, अच्छे से समझते हैं। देखो आपको निकालना है, बोला डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है। अब बोल रहा है कोट वाई बाय कोट एक्स, कोट वाई
कोट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोस थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब आप देखो कोट वाई, वाई कहां पड़ेगी? ये रहा मेरा वाई, ये पूरा ये वाई एंगल है ना। तो वाई एंगल की अगर बात करें, जो एंगल लेते हैं उसके साथ वाली साइड बेस का काम करती है, तो एसी क्या काम करेगा? बेस का काम करेगा। समझ आ रहा है? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कोट वाई क्या हो जाएगा मेरे पास? कोट वाई इज इक्वल टू एसी डिवाइड वाई। अब ये बड़ी ट्रायंगल है, तो बड़ी ट्रायंगल में देखो ये पूरा सीबी यानी बीसी या सीबी बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद मैं निकालता हूं कोट एक्स, कोट एक्स दूसरा स्केच ले लेते हैं। ये कोट एक्स है, तो कोट एक्स है तो इसके साथ वाला बेस होगा, दूसरा ये परपेंडिकुलर होगा सीडी। तो एसी डिवाइड बाय सीडी, अब दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो एसी से एसी कट जाएगा और यहां पर बचेगा बीसी बाय सीडी। अब देखो बीसी क्या है, बीसी टोटल, ये टोटल बीसी है, तो यानी ये सीडी क्या है, इसका मिड पॉइंट, यानी दोनों पार्ट इक्वल है। तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, टू सी डी डिवाइड बाय सीडी, तो कट कर देंगे तो टू बाय वन यानी टू रेशो वन, टू रेशो वन लिख दो या टू लिख दो बात एक ही है। तो आपका आंसर आएगा 32, 32nd का फर्स्ट आंसर आएगा ए टू। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन नंबर, रियल नंबर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप से। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई शो दैट इट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। अब देखो मेरे पास नंबर क्या है, नंबर है 1/13, बोल रहा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 डेसिमल प्लेस तक जाए, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक जाए। बड़ा सिंपल है, नीचे 100 आना चाहिए, जब नीचे 100 आएगा, नीचे 2 जीरो आएंगे तभी तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा ऊपर। तो आप देखो पहला पहला देखते हैं 13/100, इससे मल्टीप्लाई करें, 13 से 13 कट गया, 1/100 0.01 पहला ही फिक्स हो गया, तो पहला ही आंसर आ गया, आंसर आपका क्या आएगा फर्स्ट। सेकंड वाला चेक कर देता हूं, 1/13 है, इसको अगर मैं 13/10 से करूंगा तो ये 1/10 बनेगा जो कि 0.1, तो ये नहीं हो सकती, ये 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो पहला आंसर आपका फर्स्ट वाला। तो चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहे हैं ए बी एंड बी ऑफ अ राइट ट्रायंगल, साइड ए बी ऑफ बी, ये पढ़िए मेरे पास ए बी और ये ई, ए बी और बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड है दोनों, और क्या बोला हुआ है, राइट एंगल एट बी, यस मान लिया, यानी ये राइट एंगल है, ठीक है। यहां पे मैं डायग्राम भी बना लेता हूं, और लेंथ क्या है, ए बी मेरे पास 16 है, ये 16 है, ये टोटल 16 है और ये टोटल है 8, इसको मैं 8 लिख देता हूं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इनस्क्राइब, इनस्क्राइब मतलब उसके अंदर जो स्क्वायर बना है उसकी साइड निकालनी है, तो निकाल देते हैं, स्क्वायर देख लेते हैं कौन सा बना, ये स्क्वायर है, ये मैं बना देता हूं, ये जो स्क्वायर पड़ा ये स्क्वायर है इसके अंदर। अब आप देखो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। अब यहां पे हम ट्रायंगल के सिमिलर क्राइटेरिया पे चलेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो अब ये टोटल अगर 16 है तो यहां तक एक्स है, तो ये बची हुई क्या होगी, ये होगी 16 - x, सिंपल सी बात है, इज इट क्लियर।
और यहां पर देखते हैं दूसरी की बात करते हैं। अब ये दी हुई है मेरे पास एक्स, ये तो चल जाएगा। अब मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, कौन कौन सी ट्रायंगल लेता हूं, एक ट्रायंगल AFD, AFD और ट्रायंगल ABE, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, देखो जो स्केयर है वो 90 का एंगल बनाता है, तो ये तो राइट एंगल है, अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं। तो अगर सिमिलर होती है तो उनके साइड का रेशियो हम सेम लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो AFD में देखो मैं क्या लिखूंगा, ये छोटी AF डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू, जो मुझे चाहिए बस उसकी बात करते हैं, FD डिवाइड बाय इसकी टोटल BE। मतलब छोटी ट्रायंगल का अगर मैंने बेस लिया है तो बड़ी ट्रायंगल के बेस से, और छोटी ट्रायंगल की अगर मैंने साइड ली है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड से रेशियो सेम होगा। इज इट क्लियर, आगे चलते हैं। तो बस अब क्या करना है, अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो AF कितना है मेरे पास, 16 माइनस एक्स डिवाइड बाय AB कितना है मेरे पास, 16 है, इज इक्वल टू ये जो पूरा AB है 16 है। उसके बाद जो FD है वो x है डिवाइड बाय जो BE है वो कितना है मेरा 8। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आप तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16x, और ये कट जाएगा क्योंकि नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू 3x, तो एक्स आ जाएगा 16/3, एक्स की वैल्यू 16/3, एंड एक्स इज व्हाट, एक्स इज द साइड ऑफ द स्केयर, तो एक्स आ गया 16/3 दिस वन, बी आंसर। इज इट क्लियर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पॉइंट पी डिवाइड लाइन सेगमेंट आर एंड एस, आर एंड एस एक लाइन ले लेते हैं, आर कितना है -1/3, एस कितना है 9/8, एक लाइन ले लेते हैं और पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, के रेशो वन में, और जो ये पी है पी ये लाई कर रहा है, किस लाइन पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आपको निकालना है के की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैं बोल रहा हूं ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और हर बार पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, तो बहुत सारा कुछ टाइप तो आपको इसी CBSE सैंपल पेपर से मिलने वाली है, काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इसको पूरा सोल्व नहीं करना, अगर डिटेल में सोल्व करना तो इसका मैंने वन शॉट डाला हुआ, बट यहाँ पे ट्रिक से करेंगे हम। कैसे करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसमें पॉइंट पुट कर दो। पहला पॉइंट मेरा क्या है, आर माइनस वन थ्री, तो इस इक्वेशन में पुट करो एक्स माइनस वाई प्लस टू में पुट करेंगे, एक्स कितना है माइनस वन, माइनस वाई कितना है थ्री और प्लस टू डिवाइड बाय, अब क्या पुट करेंगे एस वाला पॉइंट इसी लाइन में पुट करेंगे, एक्स कितना है नाइन माइनस वाई कितना 8+2, तो ये माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस फोर और प्लस टू, माइनस टू 9 - 8 1+2 3, तो -2/3, तो माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है आपको, तो 2/3। अब 2/3 रेशो आया और आपको रेशो क्या दिया हुआ है, के रेशो वन, तो इसको अगर के रेशो वन के बराबर रखेंगे
तो k बाय वन क्या होता है k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी वे में तो आपका आ गया फर्स्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो और बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और टेलीग्राम पे चैनल है उसको भी फॉलो करो और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की या जो 100% चांसेस क्वेश्चन है उनकी सीरीज लाए। कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा मैथ, साइंस और इंग्लिश, फिर जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे बनाने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है ना? करें स्टार्ट। इसको भी बड़े इजी वे में करते हैं, ट्रिक से करते हैं। आपको इस शेडेड रीजन की वैल्यू निकालनी है और जो ये मेरा स्केयर है उसकी साइड दी हुई है, साइड कितनी है 14 साइड दी हुई है स्केयर की। तो अगर साइड 14 है तो यहां से देखो, मेरी बात सुनो आप, ये अगर मैं यहां पे एक लाइन लगा दू और यहां पे भी अगर एक लाइन लगा दू, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां पे फिट हो सकता है, यहां पे फिट हो सकता है, और ये वाला जो पार्ट है ये यहां पे फिट हो सकता है, है ना? तो एक तरह से बस मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल बन गई एक तरह से, ये बन गई रेक्टेंगल, इसका एरिया फाइंड करना है। तो कर देते हैं, 14 टोटल साइड 14 है, टोटल 14 है, तो यहां तक कितनी हो जाएगी 7। तो रेक्टेंगल का एल इन टू बी, लेंथ इन टू ब्रेथ 14 7 98। कोई सोल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस माइंड यूज करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आया हमारा ओलंपिक से और इस बार नीरज चोपड़ा, ग्रेट नीरज चोपड़ा, उन्होंने काफी मतलब जैवलिन में गोल्ड मेडल लिया, सबको पता होगा। अब आपकी बारी है आपके बोर्ड एग्जाम में गोल्ड मेडल लेने की, है ना? आप सब भी गोल्ड मेडलिस्ट हो। अभी ओलंपिक की बात करी है, बस ओलंपिक के रिंग बना दिया और क्वेश्चन में आपको उलझा रखा है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो इससे आपको मिलती है मतलब लर्निंग कि कभी भी क्वेश्चन को देख के आपको नर्वस नहीं होना। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखने में ऐसा लग रहा है, बट सोल्व करने में बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं, अच्छे से करते हैं। देखो ये शेडेड रीजन बने हुए हैं, अगर मैं ये लाइन लगा दूं तो ये शेडेड रीजन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। मतलब ये जो बना हुआ ना, ऐसे ये अगर लाइन लगा दे तो एक इस, तो मतलब कि एक इस तरफ बना हुआ है और एक इस तरफ, ये शेडेड रीजन बने हुए हैं इस तरह से। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि जो ये रिंग है इसकी रेडियस जो है 1 है, ये रेडियस होगी, ये 1 होगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और जो ये कॉर्ड है इसकी भी लेंथ 1 है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकाल दो। तो एक तरह से देखो, अगर मैं ये सर्कल बना दूं और यहां पे कॉर्ड लगा दूं, तो आपको ना क्या निकालना है, आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, ये चीज कैसे निकाल लोगे, पूरे सेक्टर में से अगर ट्रायंगल माइनस कर दो तो ये चीज आ जाएगी, आ जाएगी ना? और एक आ गई तो 1 2 3 4 5 6 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। इसको निकालेंगे कैसे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसको निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो मैं ये मैंने यहां पे बनाया, इसको निकालेंगे कैसे, ये पूरा सेक्टर है जो मेरा, ये पूरा सेक्टर, इसमें से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी और ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री है तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, अब सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड का स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है।
इज इट क्लियर? आगे चले चल पड़ते हैं। तो अब देखो सीएमएम ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने इस सिगमेंट का एरिया निकाला है, ये सिगमेंट एक का निकाल दिया, फिर एट से मल्टीप्लाई कर देंगे सबका ही आ जाएगा। तो देखो आर की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, ये वन पाई इन टू वन, ये पाई। थीटा कितना है मेरा, थीटा स्केच दूसरा लेता हूँ, थीटा कितना है 60/360 इंटू में पाई माइनस रूट 3/4, ए कितना है साइड कितनी है वन, वन का स्केयर वन तो ये यही रह जाएगी। अब ये जीरो से जीरो कट गई, सिक्स सिक्स है यानी पाई बाय सिक्स माइनस रूट 3/4। अब ये तो आया एक सिगमेंट का और मुझे निकालने एट सिगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है। देखो ये इस तरह से बने हुए हैं, ये एक में दो बन रहे हैं, ऐसे ऐसे एट है 1 2 3 4, ठीक है एट से मल्टीप्लाई कर दो सारे को तो आंसर मैच कर लो, ये पढ़ा तो डी आंसर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 एंड सेक्शन बी इज अबाउट टू कंप्लीट, ओनली 3 क्वेश्चन इज लेफ्ट, सो बी रेडी फॉर द सेक्शन सी। सेक्शन सी अलग से सोल्व करेंगे, कमेंट करना, जल्दी से जल्दी डालता हूं और इसको अच्छे से समझो और अच्छे अच्छे मार्क्स लो, बढ़िया पूरा सोल्व करके जाना है। और जिनको बेसिक चाहिए कमेंट करेंगे, बेसिक भी जल्दी से जल्दी डालता हूं। अब देखो क्या दिया हुआ है, 2 and 1/2 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्या क्या होगा, इक्वल क्या क्या होगा, सोल्व कर लेते हैं। अगर 2 and 1/2 जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, प्रोडक्ट क्या होता है सी बाय ए। तो सी बाय ए की अगर बात करें तो इसमें आर और ये पी, तो सी बाय ए क्या मेरा पी, सी कितना है मेरा आर बाय पी, तो आर बाय पी इज इक्वल टू वन है, यानी R by P is equal to 1 है तो R is equal to P हो गया, यानी P और R बराबर है, ये तो सब में ही बराबर है तो ये तो हम नहीं बोल सकते। तो मतलब कि अगर बराबर है तो यहाँ पे तो देखो ये C तो हो नहीं सकता, यहाँ अलग अलग है ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर छुपा हुआ है A और B में। अब A और B में से क्या है, दोनों में से आंसर छुपा हुआ है तो A और B में क्या है, अब देखे देख लेते हैं P और R क्या है। अब दूसरा भी हमारे पास चांस है कि सम ऑफ जीरो 2 + 1/2, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाय ए, तो 2 + 1/2 क्या होता है 5/2, 2 + 1/2 टू और आधा ढाई, और ढाई को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, 5 का हाफ, तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है यहां पर 5/a यानी पी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे तो माइनस साइन आ रहा है तो माइनस वाला ही आएगा, तो यहां से आ गया 5p = -10, तो p आ गया -2, आगे सॉल्व ही नहीं करना था यार, माइनस साइन आ गया तो सीधा आंसर लगा देते, बस आंसर आ जाता ये आपका b। तो ये 38 क्वेश्चन इसी के साथ 38 भी हुआ। अब चलते हैं 39 की तरफ, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, करते हैं सोल्व, यस करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में राइट करना। और स्केयर का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है स्केयर का, और रेक्टेंगल का क्या होता है इसका भी लिखना, होता है या नहीं होता है। और सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों एक है, क्या दोनों अलग अलग है, कमेंट करना ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं, बना लेते हैं भाई, ये बना देते हैं सर्कल, बन गया यार कमाल होगी। एंड स्केयर इज इंस्क्राइब्ड इन इट, स्केयर इंस्क्राइब्ड है, स्केयर को दूसरे स्केच से लेंगे, इसके अंदर एक स्केयर पड़ा है, स्केयर बना लेते हैं, बन जाए तो ये बन गया, क्या बात है, वेरी गुड नाइस, बहुत बढ़िया ड्राइंग बन गई। तो अब क्या बोल रहा है आपको, साइड निकालनी है, तो मतलब इस जो स्केयर की साइड निकालनी है तो निकाल दे, गिवन क्या है, जो गिवन है उससे चलते हैं बस,
तो उससे क्या अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू है 100, तो पाई आर, 2 पाई आर 100 है, तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 2 पाई, यानी कट गया तो ये आ गई 50 अपॉन पाई। इसको एक तरफ रखो आर को, क्योंकि इसका रिलेशन बनेगा। अब देखो, अब ये डायगोनल है, ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। अब ये निकाल के देखोगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये छोटी छोटी बातें। स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट टू मल्टीप्लाई साइड। तो अब ये रूट टू है, ये स्क्वायर का डायगोनल भी है, और ये इस सर्कल का डायमीटर भी है, तो दोनों चीजें हैं। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r के। यानी तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2r बराबर है रूट टू ए। दोनों चीजें हैं, ये स्केयर का डायगोनल भी है, तो इसकी वैल्यू रूट टू ए भी हो सकती है, रूट टू आर भी हो सकती है। तो करें सॉल्व। अब r मुझे निकालना है a, तो मैं 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 बाई पाई, 50 अपॉन पाई, और ये वाला रूट टू नीचे चला गया, तो ये आ गया a, तो 50 इंटू टू 100 बाय रूट टू पाई। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 100 बाय रूट टू पाई को रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, तो 100 रूट टू, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, टू इंटू पाई, ये कट के 50 हो जाएगा, तो 50 रूट टू अपॉन में पाई, ये आंसर आ गया। 50 रूट टू अपॉन पाई है कहीं पे, ये पढ़ा भाई और बहनों, ये पढ़ा क्वेश्चन नंबर सी। इसी के साथ पानी पीते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, इसके बाद करेंगे सेक्शन नंबर सी। बट कमेंट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लाइक चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइबर कम से कम इस चैनल के जितने ज्यादा हो सकेंगे उतने ज्यादा हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले रब कर देता हूं। अभी देखो स्टार्टिंग है, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं अगर आप देख रहे हो तो 700 के अराउंड सब्सक्राइबर होंगे, बट यार अभी आप वीडियो देख रहे हो, सपोर्ट करो कम से कम, अगर जिस टाइम भी देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपका सपोर्ट मिले और अच्छे से अच्छे हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, है ना। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी एक्स वाई की फॉर्म में, तो 243 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल रख सकते हैं, तो पहली इक्वेशन आ गई एक्स प्लस इज इक्वल टू, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी की तरफ चलते हैं, चले चले क्या, चल पड़ते हैं। 243 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 243 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5, और उसकी भी पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को इक्वेट करें, तो यहां पे कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 बाय 5, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 बाय माइनस 5। पहले दोनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मतलब 1 होगा, तो यूनिक मतलब 1 होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला, कौन सा, 40 का बी आंसर आएगा, 1 सॉल्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ये था सेक्शन बी। अब मिलते हैं आपके साथ सेक्शन सी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से। चैनल को लाइक कीजिए, वन शॉट पढ़े हैं उनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।